मीडिया का लोकप्रिय चेहरा रहे रोहित सरदाना का आज अचानक निधन हो गया। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए रोहित सरदाना को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। वो नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे। खबरों के मुताबिक वो कोरोना से उबर चुके थे, लेकिन सीने में दर्द के चलते एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती हुए। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन जैसे ही रोहित सरदाना की मौत की खबर आई, हर कोई हैरान है। साथ ही पत्रकारों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्विटर पर उनके हजारों प्रशंसक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। भले ही कोरोना और दिल का दौरा पड़ने से वो दुनिया छोड़कर चले गए हों, लेकिन एक दिन पहले तक वो लोगों की किस तरह से मदद कर रहे थे, ये उनके आखिरी ट्वीट से अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना का शिकार हुए लोगों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड आदि तक की व्यवस्था के लिए वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। लोगों से सहयोग की अपील कर रहे थे। यहाँ तक कि अपनी मौत से ठीक एक दिन पहले 29 अप्रैल को भी इन्होंने ट्वीट कर एक महिला के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शनों की व्यवस्था करने की अपील की थी। इससे पहले 28 अप्रैल को उन्होंने लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की भी अपील की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, जितनी तादाद में कोरोना से मरीज ठीक हो रहे हैं, उसके एक चौथाई लोग भी अगर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आने लगे तो बहुत से लोगों की जान बच सकती है। आप ठीक हो गए हैं तो किसी और की जिंदगी की वजह बनिए, प्लाज्मा डोनेट कीजिए। हालांकि अब खुद रोहित सरदाना की ही अचानक मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। लंबे समय तक जी न्यूज चैनल में काम करने के बाद बीते कुछ सालों से वो आज तक चैनल का हिस्सा थे। उनका न्यूज शो दंगल काफी लोकप्रिय था, जिसकी वो एंकरिंग करते थे। उनके यूं अचानक चले जाने पर मीडिया जगत से लेकर राजनीतिक जगत तक में शोक की लहर है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लिखा, रोहित सरदाना जी के असामयिक निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। राष्ट्र ने एक बहादुर पत्रकार को खो दिया, जो हमेशा निष्पक्ष और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए खड़ा था। भगवान उनके परिवार को इस दुखद नुकसान को सहन करने की शक्ति दे। उनके परिवार और फॉलोअर्स के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, वरिष्ठ पत्रकार श्री रोहित सरदाना जी का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। हर कोई रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि देने में जुटा है, फिर चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो या फिर क्रिकेट जगत से। लेकिन मौत से कुछ वक्त पहले तक वो दूसरों की मदद कैसे कर रहे थे, कैसे उन्हें चिंता थी और लगातार ट्वीट भी कर रहे थे, और आज अचानक उनकी मौत की खबर ने मीडिया जगत को रोक कर रख दिया।